ये देखें जी, ये है अस्कान। अस्कान इमारतों का मेरे ख्याल में ये नाम है जहाँ पर आज हम रात के टाइम काम करने आए हुए हैं। माशाल्लाह, सात सात आठ आठ मंजिली ये इमारतें हैं और सारी तकरीबन तकरीबन ये सरकारी इमारतें हैं। इसके पीछे यहाँ पर एयरपोर्ट है और इस साइड में पीछे करके स्टेडियम है जहाँ पर रेसलिंग होती है और फुटबॉल के इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाते हैं। तो ये देखें, मेन दरवाज़ा है, सातवें फ्लोर पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ। ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो सैर इफ्तारी करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर काम पे पहुँचे हुए हैं। अफ्तारी में आज माशाल्लाह वहाँ जहाँ पर हम अफ्तारी करते हैं, एक मस्जिद है बहुत बड़ी, वहाँ पे सुफरा लगता है जद्दा में। माशाल्लाह, ये डेली की रूटीन है उनकी। तो तकरीबन हम डेली यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर काम भी हमारा नज़दीक ही है, तो वहीं पर हम अफ्तारी करते हैं जिसमें डेली बिरयानी, तकरीबन वो इनकी टाइप की सब्जियों की टाइप की बिरयानी होती है, यानी कि बाप के ऊपर पर जो है ना चावल बने होते हैं और बकरा जो है ना बाप पे ही उन्होंने पकाया होता है, तो उसको कहते हैं जी लाहम मंदी। मंदी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है माशाल्लाह, जिस वहाँ पे खजूरें भी, पानी भी और भी बहुत कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ्तारी करके काम पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी हमारा काम थोड़ा सा रहता है, 3-4 घंटे का। यहाँ बिजली का काम था थोड़ा सा। तो ये जो दीवारें नज़र आ रही है ना सामने, ये वाली, ये नहीं टूटी थी, ये इसके अंदर फिशें हमने लगानी थी। तो आज जैक हैम्बर लेके आए हुए हैं, वो 3-4 फिशें जो है ना वो तोड़ के वो ख़त्म करके इंशाल्लाह आज हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। और रास्ते से जहाँ पे हमारी इमारत है कफील की, वहाँ पे हमारे लड़के जो है ना वो काम कर रहे हैं, उनको उठा के और आज टाइम टाइम से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यार, बड़े अरसे से यार मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ, डेली रूटीन पे तकरीबन करता हूँ। कभी होता है 1-2 दिन जो है ना वो बीच में वीडियो नहीं डालता हूँ, सुस्ती पड़ जाती है, क्योंकि एक तो दिल टूट जाता है, आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और बड़ी बात यह है कि चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा। पता नहीं क्या मसला है, जैसे कुछ चैनल डेड हो गया। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई दोस्त ऐसा हो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सके, मैं मज़ीद अपनी क्वालिटी को बेहतर करूं, थंबनेल को बेहतर करूं, वीडियो क्वालिटी को अच्छा करूं, या अपलोड करने का टाइटल्स में जैसे होता है या टैग्स लगाने में जैसा होता है, मुझे नहीं समझ आ रही, तो प्लीज़ कोई बंदा बता दे, उसकी बहुत मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी और वीडियोज़ बनाऊँ। काम तो मेरा ज़्यादातर यही डेली व्लॉगिंग का ही है, जहाँ पर हम डेली रूटीन के मुताबिक काम करते हैं, अपना टाइल्स का हो गया या जो भी सेवल वर्क है उसी की बना के अपलोड करता हूँ। तो आजकल वैसे भी रमज़ान शरीफ चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 रोज़े आज कंप्लीट हो गए हैं। कल 11वां रोज़ा है, पहला अशरा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारा पूरा पूरा जो है ना पूरी पूरी कोशिश है, ये जो अभी नेक्स्ट जुमेरात आएगी ना, इस पे उम्रे पे जाने का पूरा पूरा प्रोग्राम है हमारा और मेरा और नवीद साहब का। नवीद मेरा उस्ताद भी है आजकल, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ज़्यादा सीख गया हूँ, थोड़ा बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी सीख जाऊँगा। अभी तक वीडियो में मैंने ड्राइविंग जो है ना वो शेयर नहीं की है, वीडियो यानी कि गाड़ी चलाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि डांट पड़ती है इसलिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी, कोई मतलब है, कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए माजरत। अभी अजानें हो रही हैं जी ईशा की और अंदर भाई लोग काम कर रहे हैं। ये देख, मज़ीद अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैच बाहर की होया और फौत हो गई, मैं तो क्यों
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇੜੀ ਬੋੜੋ अलहमदिल्ला जी, मैं नीचे रह जा रहा हूँ। खुरम भाई को चाहिए मीटर इंच टेप, तो वो गाड़ी में पड़ा है, वो लेके आता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच चुकी है। गाड़ी लॉक की हुई है, तो एक जो है दरवाज़ा वो हम खुला रखते हैं। उसकी वजह ये है कि मीटर उठा के मैं ले आया हूँ। ये मीटर हमने गाड़ी में रखा होता है, कहीं भी जाते हैं काम पे ज़रूरत पड़ती है हमको, तो हमारे पास मीटर नहीं होता। जैसे मालिक को काम की टाइल्स की पेमाइश करके देनी होती है, तो इसलिए ये मीटर जो है गाड़ी में फ़र्क होता है। 7.5 मीटर वाला, तो वापस 7वें फ्लोर पर पहुँच गया हूँ मैं। ये शिक्षा नंबर है 71।